तो गाइज कैसे हो यार वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड आज के वीडियो में आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आपको टू फिंगर मतलब थंब या फिर क्लॉ में से कौन सा यूज़ करना चाहिए कौन से कंट्रोल्स यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका गेम प्ले इम्प्रूव हो जाए एंड आपको बहुत सारे छोटे मोटे टिप्स भी दूंगा इन दोनों कंट्रोल्स के बारे में कि क्लॉ एंड थंब के बारे में सो so, वीडियो को एंड तक देखना एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को तो so, बहुत सारे बंदे जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें कौन सा कंट्रोल जो है यूज़ करना चाहिए तो आज के वीडियो में जो है मैं पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ एंड साथ में ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सा कंट्रोल यूज़ करना चाहिए सो विदाउट रेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट आवर टू डेज भेड़े हो so, सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉ एंड थम दोनों एकदम ही अलग चीज़ है जो चीज़ आप क्लॉ में कर सकते हो वो चीज़ आप थम में नहीं कर सकते, हैं। जो, चीज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आप थम में कर सकते हो वो चीज़ आप क्लॉ में नहीं कर सकते आपके क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देते हो तो अगर आपको एम चाहिए एक्यूरेसी चाहिए एंड क्लोज रेंज में अच्छा जिगल चाहिए मूवमेंट चाहिए तो आप बिना डाउट के थम में जा सकते हो कि थम में ये सब चीज़ आप आराम से कर सकते हो लेकिन क्लॉ में भी आप बहुत सारी चीज़ें हो जो कर सकते हो वो है अपना रिफ्लेक्स वगैरह इम्प्रूव कर सकते हो क्लॉ में एंड क्लॉ में आप जल्दी जल्दी ऐसे चीज़ें कर सकते हो जो कि आप थम में नहीं कर सकते हो तो वो चीज़ें लाइक अगर आप प्रोन शूट करते हो आप लोग क्राउच शूट करते हो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो लेकिन आप वो चीज़ थम में नहीं कर सकते जो कि क्लॉ में कर सकते हो चीज़ें ठीक है एंड बहुत सारे बंदे अभी ये बोलेंगे भाई हम तो क्लॉ में भी आ, एम वगैरह कर सकते हैं एंड एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं तो भाई कर सकते हैं लेकिन थम में जो चीज़ होता है ना थम में अलग ही लेवल का चीज़ होता है एंड आप लोगों ने जो गेमिंग का वीडोज़ देखा ही होगा उसमें वो थम में खेलते कितना तगड़ा मारता है आपको पता ही होगा उसका एम एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तगड़ा है लेकिन हाँ कोई अगर क्लॉ वाला बंदा भी आता है एंड उसके साथ अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्स का गेम होता है उधर अधर पर तो भाई जोनटन हारने का चांसेस हो सकते हैं क्योंकि क्लॉ में रिफ़्लेक्सेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो आप लोग क्लॉ में रि रिफ़्लेक्सेस जो है आपका इंप्रूव हो सकता है आप जो ट्राई करोगे तो तो अभी जो बहुत ज़्यादा टॉपिक होता है कि क्लोज रेंज क्लोज रेंज हमारा किस में ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है क्लॉ में या फिर थम में कौन से में ज़्यादा क्लोजनेस अच्छा हो सकता है तो भाई अगर आपको क्लोज रेंज में मास्टरी करना है ना क्लोज रेंज आपका बीस्ट बनाना है बीस्ट आपको कोई बंदा मार नहीं सकता ऐसा करना है तो भाई आप थम प्रेफर करो ठीक है आपके लिए थम में प्रेफर करूँगा क्योंकि थम से अच्छा कोई भी अब तक कंट्रोल नहीं आया जिसमें क्लोज क्लोजेंज सबसे ज़्यादा बीस्ट हो सकता है एंड मैं खेलता हूँ क्लॉम है लेकिन मेरे को थम ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें क्लोज रेंज का जो सीन रहता है बहुत सही रहता है क्लोज रेंज का आप किसी को भी मार सकते हो ईजीली एंड आप क्लॉ में भी मार सकते हो तो ऐसा बात नहीं है लेकिन थम में थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि आपको वहाँ पर दो थम्प आता है लेकिन क्लॉ में आपका चार फिंगर मतलब कि दो थम्प एंड टू अपना इंडेक्स फिंगर रहता है इसलिए थोड़ा मूवमेंट का थोड़ा इशू होता है उसमें लेकिन हाँ आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो अब क्लॉ में भी सही कर सकते हो अपने मूवमेंट ठीक है अब ये तो होगा थम क्यू आपको खेलना चाहिए अब बताता हूँ क्लॉ क्यू आपको खेलना चाहिए तो अगर आपको रिफ्लेक्सेस तगड़े करने आपको कहीं पे भी घूम के मारना है कुछ भी करना है क्लोज रेंज पे क्राउस शूट करना है प्रोन शूट करना है जंप शूट करना है इधर से उधर जाके आपको ओपन में कोई मार रहा है आप फटाक से प्रोन होके एक साइड से दूसरे साइड से मारोगे मतलब इस टाइप की चीज़ आपको अगर करना है ना तो भाई आप क्लॉ करो क्लॉब में भाई इससे मतलब आप थम में नहीं कर सकती ये चीज़ें ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है थम में लेकिन अगर आप क्लॉ में करते हो तो क्लॉब में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सो आप मैं तो बताऊँगा कि अगर आपको ये सब चीज़ें करना है तो भाई आप क्लॉ में शिफ्ट कर जाओ अब बहुत सारे जो नए बंदे हैं ना वो लोग पहले ही थम से क्लॉ में शिफ्ट होने के चांसेस मतलब ट्राई करते सो so, उनके ये दिक्कत हो जाता है कि वो लोग पहले ही मतलब गेम को कुछ दिन हुआ खेल रहे हैं और उनको पता चला कि क्लॉ नाम का भी कुछ चीज़ होता है एंड वो लोग फिर क्लॉ में शिफ्ट होने के ट्राई करते एंड जब नहीं कर पाते तो फिर डिमोटिवेट होके या तो गेम डिलीट कर देते हैं या फिर फिर थम में शिफ्ट हो जाते हैं so, सो भाई मैं बताऊंगा कि यार आपको कोई भी कर रहा रो क्लॉ में कर क्लॉ से थम में शिफ्ट हो रहे हो या फिर थम से क्लॉ में शिफ्ट हो रहा हो इससे भाई मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ है कि भाई देखो तुम अगर अपना गेम प्ले सुधारना चाहते हो क्लो या फिर थम में तो भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस से तगड़ा कोई चीज़ नहीं होता अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी कर लो भाई फोर फिंगर सिक्स फिंगर एट फिंगर कितने फिंगर से खेल लो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सो प्रैक्टिस करो एंड हाँ और ज़्यादा ग्राइंड करो ठीक है एंड अगर आपको थम का कोई कंट्रोल चाहिए आप थम में शिफ्ट हो सकते हो एंड थम का आपका कोई कंट्रोल चाहिए अच्छा तगड़ा वाला सो so, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना थम का जो है कंट्रोल को दे दूंगा एक अच्छा वाला एंड अगर आपको क्लॉक का चाहिए तो आपको थोड़े दिन के लिए वेट करना पड़ेगा एक्सिबिलिटी वगैरह कुछ चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड हाँ अगर आपको ऐसे वीडियोज़ डेली दिखना है ना तो भाई कमेंट कर दो कमेंट में ये बता दो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए क्योंकि देखो आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर बोलोगे ना वीडियो बनाने के लिए भाई मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा सो प्लीज़ कमेंट कर देना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय